गाइस वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो। अभी सामने हमारे ये प्यारा सा रेड कलर में आप देख रहे हो ऑल न्यू डिजायर है, पर इसमें जो है आप खरीदने आओगे आपके मन में बहुत सारा सवाल होता है, भाई वेरिएंट कितना है, कलर कितना है, क्या क्या मिल रहा है मुझे और कौन सा सबसे तगड़ा वैल्यू वेरिएंट है। तो आज यही सारा सवाल का जो है जवाब मिल जाएगा आपको, पर हाँ जवाब मैं नहीं दूंगा, एक्सपर्ट लेके आए हैं भाई मारुति सुजुकी से जो इन सबका जवाब देंगे। तो सर प्लीज आ जाइए फ्रेम पे। वेलकम टू द चैनल सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम जवाहर कुमार महतो है, ज्योति मोटर्स बंगाल प्राइवेट लिमिटेड, मारुति सुजुकी एरिना। तो सर आगे है और सर से पूछेंगे ये इस गाड़ी के बारे में हर एक सवाल। सर पहला सवाल जो है, ये डिजायर का रिस्पॉन्स कैसा है? सर ये डिजायर का बहुत बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स अभी आया है हम लोग के पास में। अभी तक हम लोग के पास में बुकिंग 50+ बुकिंग ऑलरेडी हम लोग मिल गए हैं। और ये आपका डीलरशिप का बात बोल रहे हो? यस सर, मैं अपने ज्योति मोटर्स डीलरशिप का बात बता रहा हूँ। यहाँ पे 50 आ गया है, 50+ मेरा बुकिंग। गाड़ी तो कल रिलीज हुआ है ना, लॉन्च हुआ है कि 11th को लॉन्च हुआ है? यस सर, बुकिंग पहले से ही ओपन थी, लॉन्च करने से पहले से बुकिंग ओपन थी, तो हम लोग के पास में ऑलरेडी 50+ बुकिंग। मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है फिर। यस सर, तो एक चीज़ बताइए, अगर इस गाड़ी को बुक करने कोई आता है तो बुकिंग अमाउंट कितना है? इसका 11,000 बुकिंग अमाउंट है इसका। 11,000 से बुकिंग हो जाएगा। तो अगर अभी कोई बुक करता है उनको जो है 11,000 रुपये देना है? अभी अगर कोई बुक करता है तो 11,000 देंगे गाड़ी बुक कर सकते। और इसका डिलीवरी कब से मिलने चालू होगा? सर हमारे पास में सारे कलर सारे वेरिएंट अवेलेबल है। सारा अवेलेबल है? सारे अवेलेबल है हमारे पास में, स्टॉक में सारे अवेलेबल है। ओके, मतलब पेमेंट का डिले है? जस्ट आप पेमेंट करेंगे सर, पेमेंट करके वर्किंग 7 डेज में मैं डिलीवर कर दूंगा आपको कार से। मैं तो बहुत ही अच्छा है, बस आपको आना है शोरूम पे, पेमेंट करना है और गाड़ी 7 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। तो सर इस गाड़ी में कितना सारा वेरिएंट अवेलेबल है? इसमें 4 वेरिएंट अवेलेबल है। कौन सा है वो? इसमें LXi है, VXi है, ZXi है और ZXi प्लस है। प्लस है, मतलब 4 वेरिएंट मिल जाएगा। तो इसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन है? यस सर। कौन सा वेरिएंट से ऑटोमेटिक है? इसमें आपको VXi से स्टार्टिंग है, VXi, ZXi, ZXi प्लस, ये तीनों में आपको जो है ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ऑटोमेटिक मिल जाएगा सर। ओके, मतलब बेस वेरिएंट जो है LXi वहाँ पे नहीं है, पर बाकी का जो 3 वेरिएंट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सर। ओके, अब देखिए डिजायर जो है एकदम नया है, ये तो 4th जनरेशन डिजायर है, तो पिछला जनरेशन का डिजायर और इस जनरेशन में बहुत सारा अंतर लोग बोल रहे हैं, पर आप बोलो सच में हमारे ऑडियंस को कि क्या क्या इसमें चेंज हुआ है। सर इसमें सेफ्टी के लेकर के सबसे पहले बात चल रही थी, तो हमारा अभी पब्लिकेशन था कस्टमर का था कि सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो हमारा 6 एयरबैग इसमें स्टैंडर्ड है और इसमें साथ में आपका 5-स्टार रेटिंग भी है, ग्लोबल इनकैप रेटिंग भी इसमें। मतलब 5-स्टार रेटिंग ही मिल गया इसको? 5-स्टार रेटिंग ही मिल गया है। मतलब ये तो फिर सुजुकी का फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसमें आपको 5-स्टार जो है रेटिंग मिल रहा है, इसके पहले तो 5-स्टार कोई भी किसी में नहीं था, किसी में नहीं था। तो एक चीज़ बताइए कि ये जो नया डिजायर है इसका जो मेन कॉम्पिटिशन है, अगर हम बात करें हुंडई में तो उसका है ऑरा, और अगर हम बात करें होंडा का तो उनका है अमेज, तो ये दो गाड़ी छोड़ के कोई डिजायर भाई क्यों ले? इसमें सेफ्टी तो दिया है, उसके साथ साथ बेस्ट फीचर्स में दिया, जिसमें देख रहे हैं LED क्रिस्टल हेडलैम्प दिया है, साथ में आप देख रहे हैं DRL LED दिया है, उसके साथ देख रहे हैं LED फॉग लाइट दिया हुआ है। इसके पहले LED फॉग लाइट नहीं आता था ना? इसके पहले LED फॉग लाइट नहीं था। ओके, उसके साथ में देख रहे हैं 360 व्यू कैमरा। हाँ, यहाँ देख रहे हैं HD 360 व्यू कैमरा इसमें दिया है, जो आप पूरी तरीके से आप गाड़ी को 360 व्यू करके देख सकते हैं। इसमें बेस्ट न्यू फीचर्स आया है, उसके साथ में आप देख रहे हैं इसमें फर्स्ट इन सेगमेंट आपका सनरूफ इसमें दिया हुआ है, जो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम आया है डिजायर सनरूफ। ओके, तो मतलब बहुत सारा चीज़, और सबसे अच्छा लगा मुझे कि सनरूफ जो है, मतलब इंडिया का शौक था सनरूफ डिजायर में नहीं था, वो अभी डिजायर में भी आ चुका है। यस सर। ओके, अब इतना सारा फीचर जो आया है तो प्राइस भी इंक्रीज हुआ होगा, तो प्राइस कितना है इसका और इंक्रीज हुआ है? इसका प्राइस स्टार्टिंग है 6.69 और 10.15 जो है, 10.15 जो है अप टू है, तो 6.79 या 69 है? 69। तो मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा बोल दिया था, 6.69 से आपका स्टार्टिंग हो रहा है, 10,15,000 तक जा रहा है। यस सर। और ये आप बोल रहे हो एक शोरूम प्राइस। और ये जो प्राइस आप बोल रहे हो 10,15,000, ये कौन सा वेरियंट का ये प्राइस? इसमें आपको AMT भी मिल जा रहा है, इसमें AMT आ रहा और उससे आपका जो है 10-15 में जो है आपका CNG वर्सन भी आपको आ जाएगा। CNG का प्राइस भी इसके अंदर ही आ जाएगा? CNG का प्राइस भी इसके अंदर में आ जाएगा। तो अगर आप 10,15,000 खर्च कर रहे हो एक शोरूम पे,
तो आप उसके अंदर आपको सीएनजी भी मिल जाएगा, और अगर सीएनजी नहीं लेना चाहते हो एएमटी चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा आपको। तो सर इसमें कलर कितना सारा ऑप्शन है? इसमें 7 कलर ऑप्शन है, जिसमें 7 कलर है इसमें। यस ओके, तो कलर कौन सा है? 3 कलर आप जो देख रहे हैं डिजायर के साथ में न्यू लॉन्च किया गया है। न्यू लॉन्च कलर भी है? न्यू कलर लॉन्च भी है। कौन सा कौन सा है? एक रेड कलर के देख रहे हैं आप, ब्लू कलर देख ये रहे हैं। ये रेड गैलेंट रेड है सर। अच्छा ये एक रेड हुआ और एक ब्लूइश ब्लैक ब्लू कलर का है। एक ब्लू है, तो एक रेड है, एक ब्लू है और एक नट मेक ब्राउन है। तो ये 3 कलर नया है, मतलब नया डिजायर के साथ नया कलर भी इंट्रोड्यूस किया गया है। बिल्कुल। अच्छा और बाकी 4 कलर कौन सा है? और स्प्लेंडर सिल्वर है, ब्लूइश ब्लैक है, नट आपका जो मैग्मा ग्रे है, स्प्लेंडर सिल्वर है। ये 4 कलर पहले भी आता था, अभी भी है? हाँ। और साथ में ये 3 कलर जो आपने बोला वो नया इंट्रोड्यूस किया गया है। हाँ। ओके, अब एक चीज बताइए, क्या इसको डुअल टोन में ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, डुअल टोन का कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है डुअल टोन का। तो अफसोस है, अगर आप डुअल टोन चाहते हो तो वो तो आपको जो है एक्सेसरीज पे जाना है, या फिर आपको पता है दिल्ली तक तो आपको सफर करना ही है उसका। तो फिलहाल और जो है गाड़ी के बारे में थोड़ा बताइए कि इस गाड़ी में इंजन कौन सा दिया जा रहा है? इसमें न्यू डेजलिंग न्यू डिजायर जो है जेट सीरीज इंजन सर इसका आया है, आपको नेक्स्ट जन 4 में जेट सीरीज इंजन है। तो इसमें जो इंजन आप बताए जेड सीरीज का, तो वो तो हमें स्विफ्ट में भी देखता था ना, वही इंजन है इसमें? बिल्कुल सेम इंजन है, आपको इसमें भी प्रोवाइड कर रहा है। परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा होगा इसका? बिल्कुल बेटर परफॉर्मेंस है इसका, माइलेज जो है बेटर मिल रहा है। हाँ, माइलेज कितना है इसका? इसका माइलेज 25.79 का माइलेज है इसमें। 25 वो तब उसके बाद तो उसमें से पानी डालने से चल जाएगा ये गाड़ी, इतना माइलेज कैसे है? बिल्कुल ये न्यू रिफाइन इंजन है, जेड सीरीज न्यू रिफाइन इंजन है, इसलिए इसका माइलेज बेटर किया गया है। अच्छा बात है। और ये 25 जो आप बोल रहे हो वो मैनुअल का है कि ऑटोमेटिक का है? AAT का है, ऑटोमेटिक का है। हाँ। और अगर मैनुअल पाते हैं तो 24.79, मतलब थोड़ा 19-20 का फर्क है, 1 पॉइंट का फर्क है इसमें। ठीक है, अब एक चीज बताइए, इस गाड़ी में को CNG में हम ले सकते हैं? बिल्कुल आप CNG में ले सकते हैं, CNG का ऑप्शन है इसमें। बिल्कुल ऑप्शन है। तो CNG कौन सा वेरिएंट पे है? इसमें आपका V वेरिएंट में आ जाएगा और Z वेरिएंट में आपका CNG ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, V वेरिएंट मतलब VXI में आ जाएगा, और Z मतलब ZXI में आएगा। बिल्कुल ZXI प्लस में नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो मतलब आपको जो है LXI में नहीं मिलेगा और ZXI प्लस में नहीं मिलेगा, पर हाँ VXI और ZXI में आपको मिल जाएगा CNG का ऑप्शन। ओके, तो नॉर्मल पेट्रोल और CNG में प्राइस का डिफरेंस कितना है? नॉर्मल पेट्रोल और प्राइस में जो है आपका ओनली 495,000 का डिफरेंस है इसमें। 95,000 का एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा अगर मैं पेट्रोल के ऊपर CNG पे जाता हूँ तो मुझे 95 का अप्रॉक्स एक्स्ट्रा देना है। ओके, और अगर मैं मैनुअल के जगह पे ऑटोमेटिक लेना चाहता हूँ तो वहाँ पे प्राइस गैप कितना है? मैनुअल और ऑटोमेटिक ओनली 45,000 का प्राइस गैप है मैनुअल से ऑटोमेटिक का। सिर्फ 45,000। ओके, तो मतलब आप किसी भी वेरियंट लीजिए जिसमें ऑटोमेटिक है, आपको मैनुअल कंपेरिजन में सिर्फ 45,000 एक्स्ट्रा देना है। और अगर आप पेट्रोल का ये तगड़ा माइलेज से भी खुश नहीं है, और हाँ CNG का माइलेज कितना है? CNG का माइलेज आपका 33.85 CNG में आपको माइलेज मिल जा रहा। तो अगर उतना माइलेज आपको चाहिए तो सिर्फ 95,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना है, तो आपको मिल जाएगा वो प्राइस। अब गाड़ी जो है लेने का बात आ रहा है, तो बताइए फाइनेंस ऑप्शन क्या है इसमें? इसमें फाइनेंस ऑप्शन आपके सारे बैंक है हमारे पास में। HDFC है, ICICI बैंक है, यस बैंक है, SBI बैंक है, जो हम लोग का नेशनलाइज बैंक सबसे मोटा मोटा हर एक बैंक का ऑप्शन है। बैंक है इसमें आपका 16+ बैंक अवेलेबल है आपके पास, अवेलेबल है शोरूम में 16+ बैंक। और अगर डाउन पेमेंट का बात हो रहा है तो कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करना है इसमें? आपको मिनिमम सबसे आपका जो है 10% डाउन करना है। 10% डाउन करना है इसमें तो हो जाएगा। ओके, और फिलहाल कोई ऐसा ऑफर चल रहा है किसी भी बैंक में जिसमें हमें 0% डाउन पेमेंट करना है, मतलब 100% ऑन रोड पे फाइनेंस हो रहा है, ऐसा कोई ऑफर चल रहा है फिलहाल? SBI में हमारा ऑफर चल रहा है, इसको 100% आपका ऑन रोड में मिल जाएगा सर। तो अगर आपका SBI का लोन लेते हो तो आपको भाई बिल्कुल मिल जाएगा, 100% ऑन रोड पे फाइनेंस हो जाएगा आपका। तो प्राइस हो गया, फाइनेंस के बारे में बात हो गया, अब बताइए सर्विस का। तो सर्विस इंटरवल कितना है इसका? इसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सर्विस जो है आपका 1 मंथ किंबा 1,000 किलोमीटर, ये आपका फर्स्ट सर्विस है। सेकंड सर्विस आप जो देख रहे हैं 6 मंथ किंबा आपका 5,000 किलोमीटर आपका सेकंड सर्विस। थर्ड सर्विस आपका 10,000 किंबा 12 मंथ आपका जो है इसमें सर्विस, 3 सर्विस फ्री ऑफ फ्री है। फ्री अच्छा ये फ्री का जो कहानी है इसमें एक चीज़ बताइए कि लोग पूछते हैं हमें फ्री मतलब क्या है, मैं गाड़ी लेके जाऊँगा कोई बिल नहीं होगा?
ऐसा है फ्री कि फ्री का कहानी क्या है इसमें? थ्री आपका जो है सर्विस फ्री सर्विस है। फ्री सर्विस आपका हेल्थ चेकअप जो है गाड़ी का, फुल्ली हेल्थ चेकअप जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में हो रहा है, लेबर चार्ज फ्री है। इसके साथ में आप जो देख रहे हैं, अगर सपोर्ट डेट कोई कूलेंट मोबिल वगैरह अगर चेंज करते हैं, सपोर्ट डेट चेंज करने का ऑप्शन अगर आया तो उसका जो भी नॉमिनल चार्ज होगी सो आपको पे करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब नॉमिनल चार्जेस है वही आपको देना है। और सर्विस कॉस्ट जो पर ईयर का सर्विस कॉस्ट हो रहा है, क्योंकि आप बताएं कि पहला तीन सर्विस मुझे फ्री है, यस, उसके बाद मुझे हर साल एक सर्विस करना है, तो वो एक सर्विस मुझे ईयरली करना है, उसका कॉस्ट कितना आने वाला है? ऐसा ईयरली कॉस्ट में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ आता नहीं है, 4 समथिंग मतलब 4,200-4,300 समथिंग पैसा जो है आपका, सिर्फ 4,200 सिर्फ 4,200-4,300 ये कॉस्ट आता है, ईयरली कॉस्ट आता है मारुति। ये बहुत सस्ता है भाई, बहुत सस्ता है। सबसे जेन्युइन पार्ट मिलते हैं जिसके वजह से सर्विस कॉस्ट सबसे चीप एंड बेस्ट है। ये ठीक है। अब इतना सारा सवाल तो मैंने आपसे किया, आपने अच्छे से जवाब भी दे दिया, तो अब एक इम्पोर्टेंट सवाल जो आता है गाड़ी खरीदने पर, वो है इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस जो है क्या वो मैं बाहर से ले सकता हूँ? अब बाहर से जो इंश्योरेंस लेने की बात कर रहे हैं, बाहर से इंश्योरेंस जो लेंगे मैं आपका जो है यहीं से चीप एंड बेस्ट जो है आपका सबसे सस्ता इंश्योरेंस मैं यहीं से कर दूंगा और बेटर सर्विस इंश्योरेंस के ये डीलर प्रोवाइड करेगी आपको। आप ही कर देंगे? बिल्कुल मैं ही कर दूंगा। आप जो बाहर से कोट करेंगे उससे बेटर कोट मैं करके आपको इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि आपको जो है इंश्योरेंस के लिए कहीं भागा दौड़ी नहीं करना है और बाद में क्लेम पे भी कोई इशू नहीं होगा। बिल्कुल, ये हमारे डीलर की तरफ से भी आपको फुल हेल्प मिलेगी इंश्योरेंस के लिए, जो भी प्रॉब्लम आएगी फुल डीलर हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। तो देखिए कोई इशू नहीं है, बस आपको जो है इंश्योरेंस लेना है उनसे, बस हो गया। चीज़ बताइए वारंटी के बारे में थोड़ा बताइए, इसमें स्टैंडर्ड वारंटी कितना है? इसमें स्टैंडर्ड वारंटी जो है आपका 3 ईयर्स के लिए स्टैंडर्ड वारंटी है, अप टू 1,00,000 किलोमीटर। 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर का? 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर। ये पहले तो 2 साल और 40,000 किलोमीटर का था, बट न्यू डिजायर ने लेके आया है 3 ईयर्स का स्टैंडर्ड वारंटी और 1,00,000 किलोमीटर। तो मतलब नया डिजायर लेने से फायदा तो आपको माइलेज का मिलेगा ही, साथ में सर्विस का भी मिल जाएगा। मतलब आपको 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर का, और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आप? एक्सटेंड भी कर सकते हैं आप चाहे तो। ओके, तो कितने एक्सटेंड कर सकते हैं आप? चाहे तो 3 ईयर्स और प्लस कर सकते हैं, और 3 ईयर्स मतलब 6 साल का अप टू 1,60,000 किलोमीटर आपको स्टैंडर्ड वारंटी के साथ में मिल जाएगी गाड़ी। तो ये तो बहुत ही अच्छा डील है, मतलब 6 साल का और 1,60,000 किलोमीटर का वारंटी आएगा। एक्सटेंड वारंटी जो आपने बताया उसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस एक्सटेंड वारंटी का प्राइस है 20,200 समथिंग आपका जो है इसका प्राइस स्टैंडर्ड वारंटी का प्राइस है। तो सिर्फ 20,000 एक्सटेंड वारंटी का प्राइस है, जिसमें मुझे 3 साल और कुल मिला के 1,60,000 किलोमीटर का वारंटी आएगा। बिल्कुल सर। ओके, तो ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल लगा हमें, प्राइस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, और मारुति तो इसीलिए जाना जाता है कि एक रिलायबल गाड़ी है, प्राइस भी कम है, सर्विस कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, तो अच्छा खासा गाड़ी है। तो इतना सारा सवाल हमने आपसे किया, आपने अच्छे से सारा जवाब दे दिया। अभी जो चीज़ जानना है उनको कि अगर उनको बुकिंग करना है गाड़ी तो कहाँ पे आएंगे और कैसे आपसे बात करेंगे, थोड़ा बताइए उनको। सर एक ज्योति मोटर्स कमलगाछी एरिना जो है सोनारपुर में पड़ता है, आप यहाँ पे आएंगे हमारा डीलर का जो देख रहे हैं, ये हमारा डीलर जो है बेस्ट आउटलेट है, सबसे सर्विस जो है बेस्ट जो देख रहे हैं यहाँ पर, शोरूम जो देख रहे हैं यहाँ पर आएंगे हमारा, यहाँ पे RM अवेलेबल है, हमारा हॉस्टेसर अवेलेबल है, जब भी आएंगे आपके साथ में रिप्रेजेंटेटिव आपको हेल्प करेंगे, जो मॉडल चाहिए जो कलर चाहिए इंस्टेंट आपको बुकिंग और इंस्टेंट फाइनेंस का भी यहाँ पे जो है फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके, तो जैसे उन्होंने बताया आपको हर एक इंफॉर्मेशन जो है इस गाड़ी को लेकर आशा करते हमने दे दिया, फिर भी अगर कुछ भी छूट गया आपके मन में तो नीचे कमेंट है ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर ज़रूर जवाब दे दूंगा। मिलेंगे आपके साथ एक और नया वीडियो में, तब तक अगर गाड़ी चला रहे तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए, बाइक चला रहे तो हेलमेट ज़रूर पहनिए, सेफ रहिए। थैंक यू।